पिछले कई दिनों से मुंबई को मॉनसून का इंतजार था जो कि अब खत्म हो गया है। इसके साथ ही लोगों को मॉनसून के साथ साथ बाढ़ का डर भी सताने लगा है। मुंबई कल्याण और डोंबिवली महानगर पालिका ने इसको देखते हुए अपने पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से ही तैयारियां कर ली। कल्याण से डोंबिवली नगर निगम ने शहर के कुछ स्थानों पर बाढ़ सेंसर स्थापित करके सराहनीय कदम उठाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस साल उठाए गए कदम से नगर निकाय को मदद मिलेगी, जिससे सेंसर कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे। सेंसर मिलने पर संबंधित टीमों द्वारा क्षेत्र में नागरिकों की मदद के लिए जरूरी कार्य किए जाएंगे। नगर निगम ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। सेंसर युक्त होने से बाढ़ संबंधी तैयारियां करने के लिए समय मिल जाएगा। केडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि साल 2019 और 2021 में हमने जुड़वा शहरों के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बाढ़ देखी। इसने एक चेतावनी प्रणाली को सक्रिय करने अनिवार्य बना दिया। ये सेंसर तुरंत काम कर देंगे और समय रहते लोगों को अलर्ट करेंगे। पहले वार्ड स्तर के अधिकारी ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखते थे और निवासियों को सूचना देते थे। अब ये सेंसर पानी के स्तर के आधार पर बाढ़ से पहले ही काम करेंगे और फिर अलर्ट भेज देंगे। सेंसर नदी के जल स्तर की जाँच अनवरत करते रहेंगे। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता रहेगा, स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम को नियमित रूप से अलर्ट भेजता रहेगा। नगर निगम बाढ़ से निपटने को तैयार है। जानकारी के लिए बता दें कि बाढ़ ने केडीएमसी में कई क्षेत्रों में नागरिकों को प्रभावित किया और अधिकारियों को सुयोग नगर, शास्त्री नगर, चौल, वरब, शाहबाद, कम्बा और महराल गांव, कम्बा गांव आदि में बचाव अभियान चलाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का सहनशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।